नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम अशोक लेलैंड के बारे में चर्चा करेंगे। ये स्टॉक अपने ऊपर के लेवल से बहुत ही बुरी तरीके से पिट के नीचे आ चुका है और करंटली 60-65 रुपए के लेवल के आसपास कोट कर रहा है। और करंटली इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए, इस स्टॉक में आप नई पोजीशन बनाएं या फिर अगर आपके पास 120 रुपए के आसपास की कोई पोजीशन है तो करंटली एवरेज कर लेना चाहिए या फिर इस स्टॉक में बेच के निकल जाना चाहिए और इस स्टॉक को भूल जाना चाहिए, तो उसी के बारे में हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अशोक लेलैंड का चार्ट है जिसमें आप देखेंगे कि 2014 में स्टॉक लगभग 20-30 रुपए के आसपास कोट किया करता था। वहां से बहुत ही अच्छी वन साइडेड रैली हमको देखने को मिली थी। 170 के लेवल्स टच करने के बाद इसमें वन साइडेड उसी तरीके से गिरावट आई है। करंटली 60 रुपए के आसपास ये स्टॉक कोट कर रहा है। अब इसी चीज को अगर हम डेली के चार्ट पे देखते हैं, जिसमें मैं आपको RSI भी इंक्लूड करके दिखाऊंगा, तो करंटली अगर हम डेली के चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये एक लेवल था जहां 96 से 80 रुपीज के आसपास इस स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन दिखाया था और वहां से बहुत ही अच्छी इसमें गिरावट आई है। और इसका RSI अगर देखेंगे तो अगेन 30 के नीचे आ चुका है, जो कि 20 के आसपास था। वहां से एक स्मॉल बाउंस हमको देखने को मिल रहा है। अगर मैं डेली का चार्ट आपको देख करके इसमें बताऊं तो आप इसमें एक तरीके से एक फ्लैग का पैटर्न बनते हुए देखेंगे, जिसका कि अगर मैं टारगेट यहां से लेकर के आपको बताऊं तो लगभग यहां से 45 रुपीज तक का टारगेट निकल के आता है। एक दिन की एक पॉजिटिव रैली इसमें हमको जरूर देखने को मिली थी। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो करंटली इसका स्टॉप लॉस या फिर जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 65 रुपीज के आसपास का निकल के आता है, जो कि इस इन्वर्टेड फ्लैग की वजह से बनता है। और इसी चीज को अगर मैं आपको वीकली के चार्ट पे दिखाऊंगा तो इसमें भी आप अगर RSI को देखेंगे तो RSI अभी भी ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। लगभग 24 के आसपास का RSI है, मतलब यहां से हमको स्मॉल बाउंस देखने को मिलता है। तो अगर मैं इसमें पैटर्न के बारे में बात करूं तो यहां पे हम देखेंगे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न नजर आता है। अगर मैं वो पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाऊं, दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, मेरे टेलीग्राम में एक प्राइम चैनल भी है जिसमें मैं डेली बेसिस पे स्टॉक्स के कुछ सजेशन शेयर करता रहता हूँ अपने मेंबर्स के साथ। तो अगर आपको मेरा उस चैनल का मेंबरशिप लेना है तो आप नीचे दिए गए चैनल को सर्च कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम में भी मैसेज करके और भी ज्यादा जानकारी मेरे से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो ये देखेंगे आप, ये इसका एक शोल्डर आता है, यहाँ पे ये दूसरा शोल्डर आता है और ये जो इसका है ये तीसरा हेड निकल के आता है। इसके हिसाब से जो हमारे टारगेट निकल के आएंगे वो लगभग सेम निकल के आते हैं, जो कि हमको डेली के चार्ट पे 40 से 45 रुपए के निकल के आ रहे हैं। तो सेम जो टारगेट है हमारे हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के हिसाब से भी निकल के आते हैं। सिमिलर चीज मैंने ऑलरेडी काफी पहले बताई थी, यानी कि लास्ट ईयर के आसपास बताया था कि इसमें हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन चुका है और अगर ये ब्रेकआउट होगा तो इसमें हमको बहुत ही ज्यादा डीप करेक्शन देखने को मिलेगा। तो 40-45 के आसपास इस पैटर्न के हिसाब से भी नजर आता है, लेकिन क्योंकि RSI अभी ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है तो यहां से और ज्यादा गिरावट आने की संभावना जो है वो काफी कम नजर आ जाती है। इसी चीज को अगर मैं मंथली चार्ट पे आपको दिखाऊं जिसमें मैं करंटली RSI को दूर कर देता हूं, तो इसमें हम देखेंगे कि हमको एक जो रैली निकल के आई थी जो कि 2014 के बाद से शुरू हुई थी वो यहां से यहां तक की नजर आई थी। और इसके हिसाब से जो अगला सपोर्ट निकल के आता है वो भी आप देखेंगे 49 रुपीज के आसपास का निकल के आता है फिबोनाची रेशियोज के हिसाब से। इसको अगर और थोड़ा एग्जैक्ट में रखने की कोशिश करूं तो आप देखिए 48 रुपीज के आसपास का वो सपोर्ट निकल के आता है। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले करेक्शन को दूर करके फिर फिबोनाची लगाता हूं, यानी कि यहां से यहां तक के जो लेवल्स निकल के आए थे उसके हिसाब से इसके लिए जो अगला सपोर्ट बन के आएगा वो भी आप देखेंगे 48 रुपीज के आसपास का ही सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है, क्योंकि 100% का जो इसका करेक्शन था वो हो चुका है। उसके बाद अगला जो सपोर्ट निकल के आएगा 1.2% वाला तो वो यहाँ पे नजर आता है, यानी कि 48 और 45 रुपीज जो है इस स्टॉक के लिए एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। बट जैसा कि मैंने डेली के चार्ट में आपको दिखाया कि लेकिन जैसा कि आपने रिसेंटली न्यूज सुनी होगी कि ऑटो सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव बूस्ट दिया गया है, तो हो सकता है उसके चलते इस स्टॉक में एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को हमको मिल जाए। अगर मैं इसमें आपको एक और चीज की तरफ आपका ध्यान लेके जाऊं तो यहाँ पे एक और हम इसमें देखेंगे तो ये हमारा फ्लैग बन जाता है और ये
बाकी की जो चीज है ये हमारा पोल का काम करती है, और इस हिसाब से जो हमारे टारगेट निकल के आएंगे वो अगेन 45 रुपीज के आसपास के ही निकल के आते हैं। तो करंटली जो हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा नीचे के साइड में वो 45 से लेके 50 रुपीज के आसपास का निकल के आता है। वो लेवल्स पे अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आप इसमें एक हैवी बाइंग कर सकते हैं। करंटली अगर कोई रिस्क ले सकता है तो इन लेवल पे एसआईपी मोड पे स्मॉल बाइंग जरूर इनिशिएट कर सकते हैं। और जैसा कि आपने न्यूज में सुना होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑटो सेक्टर को एक बूस्ट देने की कोशिश की गई है जो कि स्क्रैप पॉलिसी की तरफ से है, तो हो सकता है इसमें आपको एक बाउंस नजर आए। और वो बाउंस अगेन आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है इसके लिए वो रहेगा 65 रुपीज का, यानी कि अगर ये 65 रुपीज के हर्डल को ब्रेक कर देता है तो इसमें एक और हमको माइनर पॉजिटिव रैली देखने को मिल सकती है जो कि 80 रुपए तक जा पाएगी। 80 रुपए इसके लिए एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे 77 से लेके 80 रुपीज के आसपास में स्टॉक ने कई बार पहले सपोर्ट लिया था जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, उसको ब्रेक करने के बाद ही इतनी बड़ी डाउनसाइड हमको नजर आई थी। उसी हिसाब से अपसाइड जाने के लिए भी इसको ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये लेवल्स के आसपास हमको फिर से गिरावट नजर आती है। बट करंटली जिस हिसाब से पैटर्न्स हमको नजर आ रहे हैं उस हिसाब से इसमें और भी ज्यादा गिरावट होने की संभावना है। तो करंटली जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो इन लेवल्स पे एवरेज आउट कर सकते हैं अगर उनकी बाइंग जो है 120 रुपए या उसके ऊपर की है। लेकिन जिन्होंने 70 या 80 रुपए के आसपास ही बाय किया है वो करंटली इस लेवल पे और ज्यादा ऐड करने को अवॉइड कर सकते हैं, और जो लोग नई बाइंग करना चाहते हैं वो करंटली सिर्फ 15-20% ही इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आपको 40-45 रुपए के आसपास स्टॉक मिलता है तो ही आप एडिशनल बाय करें। दोस्तों ये जो वीडियो है मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, अगर आपको इसमें दी हुई जानकारी पसंद आई है तो एक बार आप अपना एनालिसिस दोबारा करें या फिर अपने किसी भी ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकर से एक बार डिस्कस करने के बाद ही इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाएं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं।